राजद प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर हम लोगों ने अपनी बेरोजगारी यात्रा को 25 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। वहीं चुनावी साल में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। उन्होंने नीतीश सरकार से बेरोजगारी के मुद्दे पर 18 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा, बिहार बेरोजगारी चरम सीमा पर है और लोग पलायन कर रहे हैं। बिहार में 15 सालों में रोजगार का सृजन नहीं हुआ है। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार के बेरोजगार युवाओं को सीधे खुद से कनेक्ट होने का भी अवसर दिया है। तेजस्वी यादव ने 9334302020 नंबर जारी कर ऐलान किया है कि बिहार के बेरोजगार इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर तेजस्वी यादव के बेरोजगारी हटाओ यात्रा से जुड़ सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो बिहार के बेरोजगारों का पूरा डिटेल लेकर नीतीश सरकार को भेजेंगे और पूछेंगे कि क्या यही रोजगार दिया गया है। सरकार के लोग जो है वो बताने का काम करें, जो भी पलायन अगर हुआ। 15वां सवाल, 15 वर्षों में बिहार में कुल कितने उद्योग धंधे और कल कारखाने लगे? अब लोग तो कहते हैं यहाँ बिहार में स्कूल का भी कारखाना नहीं लगा। अब हम सरकार से, हम नहीं बल्कि बिहार के नौजवान, बिहार की जनता ये पूछ रही है कि बिहार में आदरणीय माननीय श्री नीतीश कुमार जी के राज में 15 सालों के बिहार में कुल कितने उद्योग धंधे कल कारखाने लगाए? बोलवा जूट मिल, पेपर मिल एवं दूसरे उद्योग और कारखाने बंद हुए और उससे बिहार को कुल कितने राजस्व व रोजगार के अवसरों का हानि हुआ? बंद हुआ तो सरकार का कितना राजस्व इनकम था, उसका कितना क्षति हुआ? उन मिलों में जो मजदूर जो काम करते थे कितने पैसे रोजगार जो है उनको गंवाने पड़ते, कितने तो पढ़ाई के लिए और जो इलाज के लिए बाहर जाते बिहार के नौजवान कितने राजस्व का जो हमारा नुकसान हुआ इसमें? आईटी पार्क और सेल क्यों नहीं बन सकते? दूसरा, बिहार में केला, मकई, मखाना, चावल, गन्ना, आलू, लीची, आम इत्यादि अनेकों विश्व प्रसिद्ध अनाज फल सब्जियों का इतना उत्पादन होता है, तो फिर इन सभी से संबंधित खाद प्रसंस्करण उद्योग क्यों नहीं रह सकते? आप देख लो बिहार में अभी खाना की खेती होती है, बल्कि अमेरिका का जितना जो है डिमांड होता है। बिहार में अगर इतनी सब्जियां, इतने फल, अनेकों चीज का उत्पादन हम लोग करते हैं, तो इसको लेकर के हम बिहार में 15 सालों में खाद प्रसंस्करण उद्योग क्यों नहीं रह सकते? तो जैसे आंध्र प्रदेश जैसे मछली हम लोगों ने देखा है इसमें सभी वो काफी घटा प्रदर्शन पे किया गया कि आंध्र प्रदेश से जो है वो मछली आ रही है, तो बिहार दूसरे प्रदेशों जैसे आंध्र प्रदेश से मछली खरीदता है। 15 वर्षों की सरकार बताए कि हम बिहार में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते कि बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ावा देकर यहाँ जिलावार मछली बाजार लगाकर मछुआरों की आमदनी और उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते? सरकार बताए बिहार में इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लस्टर क्यों नहीं लगाया जा सकता? आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री छोटे बिहार में डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध उत्पादन संबंधित बड़े उद्योग क्यों नहीं लगाए जा सकते? बिहार का दूध, घी, मक्खन, चीज, पनीर, खोया इत्यादि दूसरे प्रदेशों और देशों में क्यों नहीं भेजा जाता? लाखों करोड़ों रुपया जो है बाहर जाता है, तो अगर ऐसी व्यवस्था हो और इन्होंने 15 साल राज किया है तो 15 साल राज करने के बाद ऐसी व्यवस्था आपकी क्यों नहीं कराई? उद्योग और हस्तकला उद्योग के लिए क्या मीटिंग भी किया गया था,
लोगों को बुलाएंगे उद्योग के लिए, आपको उसका क्या नतीजा है? आप होंगे शेरशाह सूरी से लेकर के सारी व्यवस्था जो बिहार का गौरवशाली इतिहास पर्यटन को देखते हुए अगर हम लोग अगर पर्यटन के दिशा में अगर काम करें तो असीम संभावना होगी कि बिहार में पर्यटन का बढ़ावा मिले और काफी हद तक व्यवसायिकों को भी इसका फायदा होगा और बेरोजगारी काफी छोटे मोटे रोजगार की जो व्यवस्था है उसकी भी व्यवस्था हो सकती है।